हेलो एवरीवन दिस इज शिवांगी वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डमी वेरिएबल्स को एग्जांपल के साथ और साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि डमी वेरिएबल ट्रैप क्या है तो ये आपको जो आंसर है मिल जाएगा गुली बाबा की बुक्स में ठीक है गुली बाबा की बुक्स जो है आपकी एम ई चैप्टर नंबर है टेन ठीक है जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो वहाँ से देख सकते हैं थ्योरी आप समझ यहाँ लीजिए कि डमी वेरिएबल होता क्या है तो डमी वेरिएल क्या है इसको बाइनरी इंडिकेटर डाइकॉटमस डिस्क्रीट और कैटेगरियल वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है तो एग्ज़ाम में अगर ये नाम लिखे आ जाएँ तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है आर वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इन टू एनालिसिस। तो ये क्या क्या किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं जो रिग्रेशन एनालिसिस है उसमें क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को इन क्रॉप इन कॉर्पोरेट करने के लिए डमी वेरिएबल टेक ऑन टू वैल्यूज जीरो एंड वन अब जो डमी वेरिएबल है वो दो वैल्यूज़ लेके चलता है जीरो और वन वेयर वन रिप्रेजेंट द कैटेगरी ऑन द ओरिजिनल वेरिएबल तो जो वन रिप्रेजेंट करेगा वो ओरिजिनल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है अभी से आपको समझ में आ जाएगा कि ओरिजिनल वेरिएबल क्या है ठीक है द डमी वेरिएबल इंडिकेट्स एंड जीरो रिप्रेजेंट द अदर कैटेगरी तो वन रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिनल वाली और जो जीरो रिप्रेजेंट करेगा वो अदर कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करेगा डमी वेरिएबल इज एन इंडिकेटर वेरिएबल दैट रिवील्स वेदर एंड ऑब्जर्वेशन पोज एज सर्टेन करेक्टरिस्टिक तो डमी वेरिएबल हमें क्या बताता है कि जो वेरिएबल है ठीक है कि वो जो उसके अंदर वो करेक्टरिस्टिक है या नहीं है ठीक है द वैल्यू ऑफ द डमी वेरिएबल इज़ वन इफ़ द ऑब्जर्वेशन पोजेस द करेक्टरिस्टिक एंड ज़ीरो इफ डज नॉट तो डमी वेरिएबल की वैल्यू वन आएगी जो ऑब्जर्वेशन है अगर वो पोजेस कर देती है कि भाई उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक है ठीक है और अदरवाइज जीरो आएगी जैसे एग्जाम्पल दे रखा है फीमेल इज डमी वेरिएबल इफ़ इट इज डिफाइंड लाइक दिस भाई एक ले लिया एग्जाम्पल कि फीमेल को क्या माना है डमी वेरिएबल है तो फीमेल को किससे डिनोट करेंगे वन से इफ़ दे इंडिविजुअल इज फीमेल ठीक है कि भाई अगर हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि उसमें क्या आया फीमेल आया तो वो किसके इक्वल होगा वन के इक्वल और अगर जीरो मेल आता है तो वो ज़ीरो क्योंकि वो अदर क्या हो गया अदर कैटेगरी के अंदर आ गया इन दिस केस द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन द इंडिविजुअल एंड द अदर वेरिएबल इन द डेटा सेट विल कंटेन अदर इंफॉर्मेशन ऑन ईच इंडिविजुअल तो यहाँ पे जो यूनिट बाटी गई है ऑब्जर्वेशन की ठीक है इंडिविजुअल्स की तो यहाँ पे उनके बारे में वो ईच इंडिविजुअल के बारे में अदर क्या देगा हमें वो इंफॉर्मेशन uh, देगा ठीक है द डमी वेरिएबल इज़ ए सिंपल एंड यूजफुल मेथड फॉर इंट्रोड्यूसिंग इंटू रिग्रेशन इन्फॉर्मेशन कंटेन इन वेरिएबल दैट आर नॉट कन्वेंशन मेजर्ड ऑन न्यूमेरिकल स्केल कि भाई डमी वेरिएबल हमें क्वालिटेटिव फीचर्स बता रहा है उनके तो डमी वेरिएबल रिग्रेशनिस में एक क्या है एक यूज़फुल मेथड है और सिंपल मेथड भी है जिसमें हम जो भी वेरिएबल्स हैं उनके उनके बारे में जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो हम इजीली निकाल सकते हैं जो हम न्यूमेरिकल स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं डमी वेरिएबल आर यूज़ टू अलाउ रिग्रेशन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिस्क्राइबिंग एन डेटा सेट तो डमी वेरिएबल क्या और क्या यू और किस लिए इस्तेमाल करा जाता है रिग्रेशन में ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डमी वेरिएबल आर यूज फ्रिक्वेंटली इन टाइम सीरीज एनालिसिस विद रिजीम स्विचिंग सीजनल एनालिसिस क्वालिटेटिव डाटा एप्लीकेशन तो इन चीज़ों में भी इसका, इसका इस्तेमाल किया जाता है डमी वेरिएबल आर इन्वाल्व्ड इन स्टडी फॉर इकनॉमिक फॉरकास्टिंग ठीक है इकनॉमिक फॉरकास्टिंग में भी इसका, इसका, इसका इस्तेमाल किया जाता है बायोमेडिकल स्टडीज में क्रेडिट स्कोरिंग में रिस्पॉन्स मॉडलिंग एक्सेट्रा डमी वेरिएबल में भी इन ट्रेडिशनल रेग्रेशन मैथड और न्यूली डेवलप मॉडलिंग पैराडिक्स तो Uh, इसमें तो कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं आप आ गया डमी वेरिएबल ट्रैप इज़ अ सिनेरियो इन विच टू और मोर वेरिएबल आर हाई कोरली रिलेटेड तो डमी वेरिएबल ट्रैप क्या है जहाँ पे एक या दो से ज़्यादा वेरिएबल आपस में क्या होते हैं को रिलेट करते हैं ज़्यादा और हम सिंपल टर्म्स में बोले कि वन वेरिएबल कैन बी प्रोडिक्टेड इट्स वैल्यू फ्रॉम द अदर कि एक की वैल्यू दूसरे से प्रोडिक्ट हो सकती है तो को रिलेट है ठीक है इन अदर वर्ड वी कैन से दैट टू डमी वेरिएबल रिलेटिंग टू द सेम स्पेक्ट आर इंक्लूड सच एज ट्रैवल एंड नो ट्रैवल इट कॉज परफेक्ट कॉल बिकॉज प्लस नो ट्रैवल इक्वल टू वन कि भाई यहाँ पे क्या बोला गया ट्रैवल प्लस नो ट्रैवल इक्वल टू वन कि भाई हाईली कोरिनेटेड है यहाँ पर ये यह, दोनों कि अगर हम ट्रैवल और नो no ट्रैवल को प्लस uh, करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा वन के इक्वल आएगा द डमी वेरिएबल ट्रैवल भाई टोटल हो गए भाई जिससे हंड्रेड हमने ले लिया हंड्रेड इंडिविजुअल्स को ले लिया जिसमें हमने ले लिया कि फ़ोर्टी फाइव फोर्टी फाइव ले लिया फ़िफ्टी ले लिया कि भाई फ़िफ्टी ट्रैवलर हैं और फिफ्टी नॉन ट्रैवलर तो फिफ्टी फिफ्टी कितने इक्वल uh, हो गए एक तरीके से वन मतलब हंड्रेड हो गया ठीक है तो अगर हम जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव ले चलेंगे तो वन के इक्वल आएगा द डमी वेरिएबल ट्रैप कैन आल्सो ओकर वैन देर आर टू मैनी डमी वेरिएबल्स रिलेटेड टू द डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो डमी वेरिएबल का सिर्फ इतना ही था आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू